खाना यहाँ ले आओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। जब से आए हो इतने खामोश हो, सुबह भी इतने परेशान थे, ऐसा भी क्या हो गया जो इतने अपसेट हो? पहले भी मैं पूछती रह गई, तुमने बताया ही नहीं। ऐसी कोई खास बात नहीं है मना, तुम बस वहम कर रही हो। तुम खाना खा लो जाकर। सफीना बाजी के यहाँ गए थे? आ गया था। तो ऐसे कहो ना कि वहीं से खा कर आ रहे हो, मैं फजूल में इसरार करूंगी। हाँ हेलो किरण, बोलो। मीना मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ यार। हाँ मैं सफीना बाजी की बात की मुखालिफत नहीं कर सकती थी, वरना तुम्हें सब कुछ पहले से ही बता देती। पता है भाई को निदा इतनी पसंद आ गई कि मुझे सफीना बाजी की हर बात माननी पड़ी। लेकिन शुक्र है वहाँ जुनेद भाई आ गए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। जुनेद भाई ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा ना? तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो किरण, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे खुद नहीं पता था मेरा, मैं बस चंद मिनट के लिए वहां गया था। तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ? ये ऐसे हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी प्यारी सफीना बाजी की बेटी की मंगनी हो रही हो और तुम्हें पता ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। यूं कहो ना कि तुम्हारी सफीना बाजी ने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि शरीक करती। मेरा इसको इतना पर्सनल मत लो, मैं तुमसे कह रहा हूँ सफीना बाजी ने मुझे नहीं बताया था कि वो निदा का रिश्ता तय कर रही। सब कुछ शायद बहुत जल्दी में हुआ हो, इसमें बुरा बनाने वाली बात नहीं है। जुनेद मुझे बिल्कुल बुरा ना लगता अगर तुम भी वहां ना गए होते तो। कुछ तो शर्म कर लेते, कुछ तो इज्जत रख लेते मेरी सफीना बाजी के सामने। किरण क्या सोचती होगी कि ये हैसियत है मेरी, अपने ससुराल में कोई वक्त ही नहीं है, जलील करके रखवा दिया है तुमने मुझे। गॉड प्लीज बात को बढ़ाओ मत, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी परेशानी से मुझे कोई सरोकार नहीं, तुम्हें बिल्कुल मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी नहीं है, समझ आई? और अपनी सफीना बाजी को एक बात समझा दो, मेरे घर में अगर दोबारा कदम रखेंगी तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगी। मीना मीना